हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट सिद्ध भाई। तो हमारे पास एक श्रोता की क्वेरी आई थी कि जो हम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज, क्या वो ऑब्जेक्टिव होती हैं या सब्जेक्टिव। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दें उस पर। ओके, तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे वैल्यूज होती हैं, जो समाज की वैल्यूज हैं, वो ऑब्जेक्टिव होती हैं या सब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने बात किया था कि ऑब्जेक्टिव, पहले तो सब हम बात करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है और आखिर सब्जेक्टिव का मतलब क्या है। अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव, तो किसी भी समाज में अगर कुछ वैल्यूज हैं, ओके, अगर उनमें 100% एग्रीमेंट है, मतलब कोई भी पर्सन उस पूरे समाज में, ओके, उसके 100% एग्रीमेंट में है और कोई भी उसमें रिजेक्शन नहीं है, कोई भी मतलब उसके खिलाफ नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो 100% ऑब्जेक्टिव सोशल वैल्यू है। ओके, और सब्जेक्टिव का मतलब है कि उसमें एक बंदे, ओके, हर बंदे का मतलब 100% डिसएग्रीमेंट है, कि कोई भी, ओके, एक भी पर्सन उस समाज में उस मॉरल वैल्यू को मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं है। ओके, तो हम उसको 100% सब्जेक्टिव बोलेंगे। तो हमने ये ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं कि डाइकोटमी अप्रोच कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस। एक्चुअल में क्या है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहती हैं, तो इट्स अ कॉन्टिनम अप्रोच। तो इसका आंसर हम कॉन्टिनम अप्रोच के थ्रू वेरी इजिली दे सकते हैं कि कोई भी मॉरल वैल्यूज ना तो 100% ऑब्जेक्टिव होती है, ना ही 100% सब्जेक्टिव होती है। ये इनका मिक्सचर है। ओके, सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सब्जेक्टिव। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव, अगर कोई बोले कि अपने समाज में एक है ऑनेस्टी, ओके, तो ऑनेस्टी का अगर हम बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज विल से यस, कि ज्यादातर परसेंटेज होगी कि ऑब्जेक्टिव की तरफ यस। तो पूरा समाज चाहता है कि हमारा हमारे सारे लोग, ओके, सारे लोग ऑनेस्ट रहे, ओके, ऑनेस्ट रहे। तो ये इसमें सबके प्रति सबका एग्रीमेंट है कि हाँ भाई, हम अपने बच्चों को ऑनेस्टी सिखाएंगे, बचपन से पेरेंट्स सिखाते हैं ऑनेस्टी बच्चों को करें। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ओके, इसका मतलब हर बच्चा ऑनेस्ट है ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो चुराया ही होगा बच्चे ने, पेंसिल रबड़ अरे कुछ तो चुराया होगा बचपन में। ओके, तो इसका मतलब ऑनेस्टी इज अ ऑब्जेक्टिव वैल्यूज। ओके, और भी बहुत सारे, जैसे कि ऑनेस्टी के अलावा आ गया तुम्हारा पंक्चुअलिटी सिखाते हैं हम। ओके, सहिष्णुता, मतलब पेशेंस, हैव पेशेंस। ओके, तो ये दीज आर द फ्यू विच आर क्लोजर टू द ऑब्जेक्टिव। ओके, वो वैल्यूज हैं जो कि ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, जिनमें समाज के प्रति एग्रीमेंट ज्यादा है। अब डिसएग्रीमेंट के बारे में बात करें, ओके, डिसएग्रीमेंट के बारे में बात करें तो हो सकता है कि मान के चलो को लिविंग करें, को लिविंग, इसमें 100% एग्रीमेंट भी नहीं है और 100% डिसएग्रीमेंट भी नहीं है। थर्ड जेंडर हो गया, थर्ड जेंडर को लेके कितने सारी फाइट चल रही है, पीपल आर नॉट एग्री। 100% डिसएग्रीमेंट नहीं है, ओके, कुछ परसेंट डिसएग्रीमेंट है। धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ रहा है समय के साथ, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया परसेंटेज बढ़ने लगा। तो सब्जेक्टिव का मतलब है कि जिसमें कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट रहेगा ही। ओके, तो इसमें 100% एग्रीमेंट, इसमें 100% डिसएग्रीमेंट। तो ये 100% नहीं पहले था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहा है। ओके, अब इसमें बहुत सारे, जैसे सब्जेक्टिव को तुम सोच सकते हो कि ऐसे कौन से इशू हैं जिनके बारे में अगर तुम अपने पेरेंट्स के संग डिस्कस करो तो झगड़ा हो ही जाएगा। जैसे को लिविंग हो गया, अगर जैसे मान के चलो कि तुम घर पे बैठे हो, तुम घर पे आए और वहां पर पता चला कि अरे मित्रा जी, पता है तुम्हें मित्रा जी के जो मित्रा जी का लड़का है ना, वो लड़का लेके आ गया है घर पे। ओके, हाँ लड़का लेके आ गया है और सब लोग ठा के मार मार के हंस रहे हैं और तुम वहां पर आए। अब तीन केस हो सकते हैं, या तो तुम भी ठा के मार मार के हंसो, या तुम चुप रहो, ओके, और तीसरा हो सकता है या फिर तुम अपने पक्ष रखो कि नहीं भाई, या हर किसी का अपने अपना अपना चॉइस है, अपन क्यों कमेंट करें उस पर। करें
जाहिर है पहले पहला तो नहीं रखोगे तुम, करे ठाके मार मार के तो नहीं हंसोगे, या तो दूसरा रखोगे या तीसरा रखोगे। तो इसका मतलब कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ जगह ओके एग्रीमेंट, तो ये धीरे धीरे एग्रीमेंट बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे वैल्यूज ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव, ना तो ये फुली सब्जेक्टिव हैं ना तो फुली ऑब्जेक्टिव हैं, ये बीच में हैं। ओके तो होप ये वाला वीडियो तुमको समझा पाया हो कि कुछ कुछ वैल्यूज हमारी सोसाइटी में मिक्स हैं, दे आर नॉट ऑन दिस एक्सट्रीम नॉर दैट एक्सट्रीम। ओके थैंक यू। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में नई नई बातें जानने के लिए। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं समय परिस्थिति के हिसाब से, कैसे सेम डिसीजन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है अगर सिचुएशन चेंज हो जाए। ओके तो बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट्स विद वाई में नई नई चीजें जानने के लिए। धन्यवाद।